आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद नेपानगर में भी डिस्प्ले के माध्यम से मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुनाया गया, जिसमें 100 दिन का प्रशिक्षण और 4,000 रुपये दिए जाएंगे। कार्यक्रम में कुछ कांग्रेसी पार्षद ही दिखे, वहीं भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षद भी नजर नहीं आए। यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल से मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना युवाओं के लिए जो है रोजगार योजना, जिसमें युवाओं को 4,000 रुपया महीना एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना समझ लो मध्य प्रदेश की योजना, सब दूर इंडिया में ऐसी योजना नहीं है जो अपने हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। उस हिसाब से हमारे सभी युवाओं को मुख्यमंत्री द्वारा निमंत्रण दिया गया है, सबको बोला गया है कि भैया आप सब जगह मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं वहाँ पर आए। और यह 1 घंटे का प्रोग्राम था जिसमें हमारे सभी पार्षद युवा लोग कार्यकर्ता आए, परंतु इसमें यहाँ पर बीजेपी की नगर पालिका है उसमें यहाँ का अध्यक्ष एवं उनका एक भी पार्षद नहीं आया। क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ के युवाओं लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, प्रशिक्षण प्राप्त करें? उन सबसे पहले तो अध्यक्ष को नेपा में होते हुए भी यहाँ नहीं आए, उनका रहना सबसे ज़रूरी था, क्योंकि वही आज नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, नगर के सर्वे सर्वा हैं। उनके द्वारा ही अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि युवाओं की मुख्यमंत्री ने क्या क्या योजना लागू की है।